ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी नाइन्थ स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर फर्स्ट, दैट इज नोन एज मैपिंग आवर सराउंडिंग्स। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट सॉरी वी हैव थर्ड क्वेश्चन पेज नंबर 6 की स्टार्ट करवा रही हूं मैं ये गिव रीजंस। हमें जो क्वेश्चन दिए गए उसका हमें रीजन देने हैं कि ऐसा क्यों होता है। सो फर्स्ट है अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन व्हिच इट एस्केप्ड। एक गैस है वो हम लोग फिल करते हैं कंप्लीटली पूरी तरीके से जिस भी कंटेनर में हमने उसे डाला है। सपोज एक कंटेनर है गैस का सिलेंडर ले लीजिए, तो गैस के सिलेंडर में जब हम लोग गैस को डालते हैं तो उसे अच्छी तरह से फिल करते हैं ताकि बिल्कुल भी उसमें जगह ना रह जाए। तो ऐसा क्यों करते हैं? सो सी वी हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इज नेगलिजिबल, सो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस ऑक्यूपाई द मैक्सिमम स्पेस अवेलेबल टू देम। अब यहाँ पर बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिल्कुल नहीं है, मतलब वो एक मॉलिक्यूल जो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते वो दूर भागते हैं। तो दूर भागते तो उससे क्या होता है कि जो गैसेस है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जो जगह है वो ऑक्यूपाई कर लेती है। मीन्स सपोज देखिए, सपोज ये एक गैस है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, गैसेस में तो बहुत ज़्यादा होते हैं मॉलिक्यूल, स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, तो इनके बीच में ना अट्रैक्शन फोर्स जो है ना वो नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये लोग फैल जाएंगे तो जगह ज़्यादा कवर करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस बाय द मॉलिक्यूल्स आल्सो हैज फोर्स द सेम। अब कंप्लीटली फिल करेंगे मीन्स अगर उनमें अट्रैक्शन नहीं होगा तो वो दूर भागेंगे, दूर भागेंगे तो वो जो सिलेंडर की जो वॉल्स है उसे हिट करेंगे, हिट करेंगे तो जिससे क्या होगी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मैंने आपको बताया था कि जब भी मॉलिक्यूल जब वर्टिकली मूव करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं। तो जितना ज़्यादा स्पेस होगा और जितनी कम गैस होगी उतना ज़्यादा वो क्या करेंगे स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे और उतना ज़्यादा वो काइनेटिक एनर्जी को अपने अंदर एक्सर्ट करेंगे। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा थर्ड क्वेश्चन का, अब हम लोग सेकंड पार्ट पे जाते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कि सपोज जिस कंटेनर में हमने गैस को डाला है तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो वॉल्स है उसके उस पर वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर डालते हैं। तो उसमें क्या है देखिए, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज रैंडम एंड हैविंग वेरी हाई स्पीड इन द गैसेस। अब यहाँ पे होता है कि रैंडम, रैंडम मतलब क्या कि पार्टिकल्स का जो मोशन है मतलब वो लोग मूव कर रहे हैं तो वो रैंडमली मतलब कहीं भी मूव कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हाई क्या होती है उनकी स्पीड होती है, तो हाई स्पीड हाई होती है जिससे क्या होता है ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट्स पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो इससे क्या होता है कि वो रैंडमली मूव करते हैं मतलब कहीं भी मूव करते हैं, तो एक तो वो एक दूसरे को हिट करते हैं, दूसरा वो वॉल्स को हिट करते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज ड्यू टू दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है गैस के थ्रू, ठीक है, वो क्यों हो रहा है कि पार्टिकल्स ना वो फोर्स लगा रहे हैं, वो प्रेशर लगा रहे हैं। तो ये इसका आंसर है, एक बार फिर से समझा रही हूँ कि पार्टिकल्स का जो मोशन है ना वो रैंडम ही होता है, मतलब कहीं भी होता है, और होता है तो बहुत ज़्यादा स्पीड से होता है। तो जैसे वो लोग रैंडमली कहीं भी मूव करेंगे तो या तो एक दूसरे को हिट करेंगे और दूसरे वॉल्स को हिट करेंगे, और वॉल्स पे जो मतलब जो प्रेशर लगता है वो क्यों लगता है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। तो ये है सेकेंड क्वेश्चन, आप इसे देखिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।